Shape of brick. The ordinary brick are rectangularly solid. हमारी जो ऑर्डिनरी ब्रिक किसको बोल रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशन ब्रिक अभी तक हमने बनते देखी उस प्रकार की ब्रिक को हम क्या कैसे जानते हैं कि वो रेक्टेंगल शेप की होती है, आयतकार शेप की होती है और सॉलिड रहती है, ठोस रहती है हमारी, ठीक है. बट समटाइम्स पर कुछ कुछ बारी क्या होता है, द ब्रिक आर गिवन डिफरेंट शेप, उनको अलग आकार हमको देना पड़ता है टू मेक देम सुटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. किस लिए हमको अलग टाइप का शेप देना पड़ता है, ताकि हम उसको कंस्ट्रक्शन के एक अलग भाग में यूज कर सकते हैं, ठीक है. फॉलोइंग आर सच फ्यू शेप ऑफ ब्रिक. शेप के आधार पर इन अलग अलग ब्रिक को हम कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है. एक आती हमारी बुल नोज ब्रिक, ठीक है. बुल नोज ब्रिक, बुल नोज मतलब बुल के नोज के टाइप की ब्रिक, मतलब इसका जो शेप होगा वो कुछ ना कुछ नोज के अकॉर्डिंगली राउंडेड होगा, ठीक है. तो देखते हैं, पढ़ते हैं. अ ब्रिक मोल्डेड विद अ राउंडेड एंगल इज टर्म्ड एज बुल नोज. जो ब्रिक को हम ऐसे राउंडेड शेप में टर्न करेंगे उसको हम बोलेंगे बुल नोज, ठीक है. इट इज यूज्ड फॉर राउंडेड क्वाइन, ठीक है. अगर हमको आपको मैंने ब्रिक की मैसोनरी पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें क्वाइन करके एक हमको क्या तोड़ करके ब्रिक को लगाना पड़ता था, ठीक है. अगर ऐसी मोड़ पे, जोड़ पे, ऐसी जगह पर हमको राउंडेड टाइप की ब्रिक का उपयोग हो सकता है, तो क्या बोल रहे हैं, क्वाइन की जगह पर हम इन ब्रिक को लगा सकते हैं. अ कनेक्शन विच इज फॉर्म्ड व्हेन वॉल टेक अ टर्न इज नोन एज क्वाइन. क्या बोल रहे हैं, क्वाइन किसको बोल रहे हैं, ये ऐसा कनेक्शन मतलब ऐसा जोड़ जहाँ पर हमारी वॉल ने टर्न लिया है. मतलब अगर मैं ऐसी यहाँ पर ऐसी घुमावदार वॉल बनाती, मतलब यहाँ पे दरवाज़ा नहीं होता, सपोज ऐसी मैं घुमावदार सर्कुलर वॉल बनाती, तो इस कोने पे मैं पूरी कौन सी ब्रिक लगा देती, ऐसी नोजिंग वाली, ठीक है. समझ में आई बात? हाँ तो वही बोल रहे हैं, अगर हमारी अ कनेक्शन विच इज फॉर्म्ड व्हेन वॉल टेक्स टर्न इज नोन एज क्वाइन, ठीक है. द सेंटर ऑफ कर्व्ड पोर्शन इज सिचुएटेड ऑन द लॉन्ग सेंटर लाइन ऑफ द ब्रिक. क्या बोल रहे हैं, जो हमारा ऐसा कर्व्ड वाला जो पोर्शन है वो हम कहाँ सिचुएटेड करेंगे, हमारी लॉन्ग सेंटर लाइन के ब्रिक पे, ठीक है. तो ये हमारी होती है बुल नोज ब्रिक, ठीक है, जिसमें हम ऐसा घुमावदार या कर्व वाला शेप देते हैं. आया समझ में? यस मैडम. ठीक है, बुल नोज ब्रिक. अगला देखते हैं हम, चैनल ब्रिक. दिस ब्रिक आर मोल्डेड टू द शेप ऑफ गट्टर और चैनल एंड दे आर वेरी ऑफन ग्लेज्ड. दिस ब्रिक आर यूज्ड एज फंक्शन एज ड्रेन. क्या बोल रहे हैं, हम चैनल ब्रिक को कैसे शेप देते हैं, हमारी गट्टर या चैनल का शेप देते हैं, और इसको हम, इस ब्रिक का फंक्शन क्या होता है, ड्रेन करने का. ड्रेन मतलब किसी भी पानी को निकालना या ड्रेन आउट करना. ये देखो, ये वाली दिख रही है, इसको ऐसा सर्कुलर और चैनल टाइप का हमने फॉर्मेशन दिया, जिसको लगा देने से हमारा पानी ड्रेन्ड आउट हो जाता है, ठीक है. दिख रहा है क्या? यस मैडम, दिख रहा है. ठीक है, ये वाला मतलब ये जो ये ऐसा है ना, ये हमारी ब्रिक्स हैं, ठीक है. इनको ऐसा हमने कुछ ना कुछ इसमें वो दे दिया, घुमाव दे दिया. ये हमारी चैनल ब्रिक है और ये हमारी होलो ब्रिक है, ये पास में जो दिख रही है, ये जो होलो ब्रिक है अंदर से थोड़ी खोखली सी है, ठीक है. होलो क्यों देते हैं, ताकि हीट इंसुलेशन का काम करे. देखो, पढ़ो. चैनल और गटर ब्रिक कंटिन्यूस सेंट्रल सेमी सर्कुलर कैविटी और डिप्रेशन रनिंग थ्रू देयर लेंथ यूज लेइंग ऑफ ड्रेन. ड्रेन का मतलब ये होता है कि
ग्रेविटी के साथ बहा ले जाना, मतलब अगर इसमें पानी हैगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या देंगे, स्लोप देंगे, ठीक है, ताकि इस डायरेक्शन में अपना पानी बह जाए और ड्रेन आउट हो जाए, मतलब बह के अगली जगह या निकल जाए, ठीक है। इस टाइप की भी ये ब्रिक बनती है। और दूसरी ये नीचे देखना अपनी, ये इस टाइप की, ठीक है, ये छोटा सा ये शेप दिख रहा है आपको ये, ठीक है, इस टाइप का हम आकार दे करके ब्रिकों को बनाते हैं। दिख रहा है दोनों को संजय, आपको दिख रहा हाँ मैम, दिख रहा है। है ना? तो ऐसी ब्रिक होती है ये, चैनल ब्रिक। ये किस पर्पस के लिए बनाते हैं हम? नाली और गटर में अगर लगाना है हमको तो उस पर्पस के लिए हम चैनल ब्रिक को बनाएंगे। अब आगे देखते हैं कोपिंग ब्रिक। दीज ब्रिक आर मेड टू सूट द थिकनेस ऑफ दीज ब्रिक आर मेड टू सूट द थिकनेस ऑफ वॉल ऑन विच कोपिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। सच ब्रिक टेक वेरियस फॉर्म एज अ चैम्फर्ड, हाफ राउंडेड, सैडल बैग एज शोन इन द फिगर 3.9। ये कुछ कॉपिंग ब्रिक होती है जो हम ऐसे कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इसको ऊपर से कुछ चीज़ क्लोज करनी है, कपिंग टाइप देनी है हमको, तो उसके लिए हम बनाते हैं। ये हाफ राउंडेड टाइप की बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैम्फर्ड, मतलब ये कुछ ऐसी शक्कर पारा टाइप के शेप की होती है, और इसको बोलते हैं हम सैडल ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक की कोपिंग मतलब हम जो हमारी जो रेगुलर दीवारें हैं इनके ऊपर अगर कोपिंग लगानी है, अपन को शेप देना है, तो इस प्रकार की ब्रिक के शेप वाली ब्रिक हम लगाते हैं ऐसे आकार की। इसका भी हम यूज़ देख लेते हैं एक बारी। देखना ये कॉपिंग ब्रिक है हमारी, दिख रही है ऐसी, जैसे अपन ने बाउंड्री वॉल बनाई है बाहर की ईंटों की, आवाज आ रही है मेरी, हाँ है ना? बाउंड्री वॉल अगर हमने बनाई है ईंटों की, तो ऊपर से हमको घुमाव वाला शेप देना है या हमको झोपड़ी नुमा शेप देना है, तो ये ऐसा झोपड़ी नुमा शेप की हमको ब्रिक मिल जाएगी, जिसको झोपड़ी नुमा को क्या बोलते हैं, सैडल बैक ब्रिक। इस वाली को क्या, इस शेप को क्या बोलेंगे, सैडल बैक, ठीक है, सैडल बैक ब्रिक। और ऐसी जो राउंडेड वाली दिख रही है ये वाली ऐसे वाला शेप की, तो इसको बोलते हैं हम हाफ राउंड ब्रिक, ठीक है, हाफ राउंड ब्रिक। और अगर ऐसा शेप है उसका, तो इसको हम बोलते हैं कैम्फर्ड ब्रिक, ठीक है, समझ में आई? ये कॉपिंग के लिए, मतलब अगर हमने ईंटों की दीवारें बना दी है और ऊपर से हमको शेप देना है, ठीक है, तो उस हिसाब का हम दे सकते हैं शेप, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ऐसी ईंटें बनती है इस आकार की, दोनों को आ रहा है समझ में, सक्षम? यस मैडम। हाँ मैम, हाँ, एक बुलनोज ब्रिक का ऊपर एक से गोल उदाहरण रहती मिला है। है। हाँ, एक बुलनोज रिंग का उदाहरण, ब्रिक का उदाहरण मिला है, वो देखना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ये वाला, ये क्या स्विमिंग पूल है, दिख रहे हैं आपको, हाँ ये स्विमिंग पूल है, हाँ मैडम, यहाँ पे हमको घुमाव देना ऐसा वाला या ऐसा वाला या इस प्रकार का, तो हमारी जो ईंट का ये वाला कोना है ना, ये कैसा है, बुलनोज टाइप का। जैसे हमने अभी कैसी ईंट देखी थी, ये इस प्रकार की ईंट देखी थी
ऐसे यहाँ से देखी यूं थी। गोल, तो उसको हमने कैसा लगा दिया, ऐसा और ऐसा, कि इसका नोज कैसा ऐसा घुमाव में हो गया है, ठीक है, ये ध्यान से देखो ऐसे लगाया है ना हमने, इस टाइप से लगाया, तो इससे क्या मिलेगा हमको, तिकोना हमारा स्विमिंग पूल का सरफेस नहीं मिलेगा, ठीक है, और हम इसको वैसे मतलब कोनों पे, दीवारों के टर्निंग पे, ऐसी जगह पर थोड़ा आर्किटेक्चर जहाँ पे सुंदरता देनी है, हमने फाउंटेन बनाया है, छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है दिखावटी पर्पस में, तो हम उसकी बाउंड्री पे कौन सी बुलनोस ब्रिक लगा सकते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ मैडम, ठीक है, अगला देख रहे हैं हम, हमारी काउ नोज ब्रिक, अ ब्रिक मोल्डेड विद द डबल बुल नोज इज नो ऑन एंड इज नोन एज काउ नोज। जो हमारी बुल नोज है ये एक साइड से बुल के आकार में, अगर हम उसको डबल एज पे नोजेस कर देंगे तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, काउ नोज ब्रिक। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। सक्षम अपने संजय को भी बोलो वापस से ज्वाइन करें, मीटिंग एंड हो गई थी। हाँ मैडम, अभी बोलता। स्क्रीन दिख रही हाँ मैम, है ना? बुलनोज कैसी थी अपनी? बुलनोज ये ऐसी थी, एक साइड से ही घूमी हुई थी, ठीक है, मतलब इस आकार की हमारी ईट थी बुलनोज, और ये वाली काउनोज मतलब दोनों एज से ये पूरी राउंडेड है। तो इस प्रकार से जब हमको ऐसे शेप देना होता है हमारी पूरी वॉल को, मतलब ये लेंथ वाइज हमने इसको ऐसा घुमाव शेप दिया है, तो अगर कोने पे हमारी दीवार जैसे सिर्फ आर्किटेक्चर व्यू के लिए लगी हुई है, तो हम वहाँ पर ऐसे कोनों पर कौन सी ब्रिक का उपयोग कर सकते हैं, काउनोस का, ठीक है, तो ऐसी ब्रिक का शेप होता है, ऐसी काउनोस ब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी अगली ब्रिक, आती है कर्व्ड सेक्टर ब्रिक। दीज ब्रिक आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड सेक्टर एंड दे आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलर ब्रिक मैसोनरी पिलर, ब्रिक की चिमनी में, मतलब देखते हैं हम इसको, देखो
कर्व्ड सेक्टर, ये काउ नोज हमने ऐसी पढ़ी पूरी दोनों साइड से घूमी हुई, अब ये हमारी कर्व्ड सेक्टर ब्रिक आती है। दीज ब्रिक आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड सेक्टर, ये पूरी कर्व्ड सेक्टर में होती है। इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलर ब्रिक मैसोनरी। अगर कुछ हमने ऐसी दीवार बनाई है जो पूरी सर्कुलर टाइप में है, अगर कोई पिलर बनाया है हमने ब्रिक का, वो पूरा सर्कुलर टाइप में है, ब्रिक की चिमनी बनाई है वो अगर पूरा फुली सर्कुलर टाइप में है, तो वहाँ हम कौन सी ब्रिक का उपयोग करेंगे, हमारी कर्व्ड सेक्टर ब्रिक का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब कर्व्ड सेक्टर ब्रिक को देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये कर्व्ड सेक्टर। हाँ मैडम दिख रही है। है ना, इस प्रकार की जैसे अगर अपन देखे स्क्रीन में, जैसे ये आर्च जो बना है, अगर इसकी एक ईंट को देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की ईंट है अपनी। ठीक है, मतलब इसका ये वाला साइड भी कैसा है, कर्व्ड, और इसका ये वाला साइड भी कैसा है, कर्व्ड। ठीक है, मतलब ये ईंट की दोनों साइड, अगर हमारी ये ईंट इस प्रकार की है तो इसकी दोनों साइड कैसी हमको मिलेगी, कर्व्ड मिलेगी। ठीक है, इन ईंटों का उपयोग यूजुअली हम कुछ आर्चेस बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे हमको कर्वी टाइप हमारा बनाना है, और इस ईंटों का उपयोग एक और जगह करते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे हमारा फ्लोर है, फ्लोर है, फ्लोर कैसा है, फ्लोर पे हमको डिज़ाइन देनी है, तो हमने ऐसे यहाँ पर ऐसे एक गोल दे दिया बीच में जो भी कुछ है, फिर हमने ऐसी कर्वी ब्रिक लगा दी एक के बाद एक। ठीक है, दिख रही है आपको, ऐसे हम फ्लोर के बीच में मसाला भर करके हम ऐसे फ्लोर में डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, इन ब्रिकों की हेल्प से। ठीक है, इस टाइप की ये ब्रिकें आती है, समझ आ रहा है। फ्लोर यस मतलब मैडम। अपनी जो जहाँ पर टाइल वाइल लगाते हैं वहाँ पर हम इन ब्रिकों का ऐसे कर्वी नेचर में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनकी हाँ भराई मैम। कैसे कर देंगे, यहाँ पर हम मोटर फिल करके, यहाँ पर मोटर से हम इनकी फिलिंग कर देंगे। मोटर में कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कलर के साथ में भी हम कुछ डिफरेंट कलर से इनकी भी फिलिंग कर सकते हैं। तो ये कर्व्ड सेक्टर ब्रिक को हम नीचे फ्लोरिंग में, जब हमने ब्रिक फ्लोरिंग पढ़ी थी, तो वहाँ के टाइप में हम इनको कर्व्ड फ्लोरिंग ब्रिक लगा सकते हैं। इनको एक और जगह आपने देखा होगा, जो हाईफाई बंगले रहते हैं वहाँ के गार्डन में इस टाइप की ब्रिकों का उपयोग होता है। ठीक है, गार्डन में ऐसे डिजाइन दे देते हैं ईंटों से। ठीक है, तो ये ऐसी जो जिनकी दोनों सरफेस, इनर एज और अपनी आउटर एज, कर्वी नेचर की होती है, मतलब कुछ ना कुछ आर्क के साथ में, कुछ ना कुछ चाप के साथ में होती है, तो वैसी ब्रिक को क्या बोलते हैं हम, कर्व्ड सेक्टर ब्रिक। आई बात समझ में। हाँ मैम। अब एक और फोटो में दिखा रही हूँ आपको, ये देखो,
क्या दिख रही है, किस प्रकार की ईंटें दिख रही है मेरे को? ये थर्ड क्लास ब्रिक जैसी लग रही है ना? हाँ मैम, क्यों? क्योंकि ये, हाँ एक तो मैडम, थर्ड इसकी ये क्लास ब्रिक। सरफेस बेकार है, इसके ये कोने टूटे हुए हैं, है ना? ये क्या हो रहा, पानी में रखी होगी तो ये वाइट वाइट ऐसे धब्बे हो गए हैं इसमें। मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें इफ्लोरेसेंस वाला प्रॉब्लम भी है। इफ्लोरेसेंस मतलब इसमें सोल्यूबल सॉल्ट भी है, मतलब कुछ ना कुछ लवण इसकी मिट्टी में मौजूद होंगे, ठीक है? प्लस ये ढंग से पकी हुई भी नहीं है, एक जैसा कलर भी नहीं है इसका। मतलब हमारी ब्रिक में, इसमें स्टैंडर्ड हमारा कलर नहीं है, ठीक है? इसमें स्टैंडर्ड शेप नहीं है, ठीक है? इसमें स्टैंडर्ड हमारा साइज नहीं है, ठीक है? इसमें इफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम भी होगी। अगर ये दो ईंट को बजाओगे तो डल साउंड आएगा, बेकार साउंड आएगा, ठीक है? 1 मीटर से गिराओगे तो ये टूट भी जाएगी, ठीक है? मानते हो ये सारी बातें हो जाएंगी इसमें? क्योंकि ये थर्ड क्लास यस ब्रिक मैडम। जैसी हमको दिख रही है, नहीं, ये स्टैंडर्ड साइज में नहीं दिख रही है। स्टैंडर्ड साइज भी नहीं, इनकी साइज भी वेरी करेगी। तो वही तो चीज मैंने बोली, ये 19:9 वाली भी नहीं होगी, ठीक है? ये जहाँ पे ANB लिखा हुआ है ना, ये चीज होती है हमारी फ्रॉग, ठीक है? ANB मतलब इसने, इसकी जो कंपनी है उसका कुछ भी स्टैंडर्ड साइज या कुछ भी लिखा हुआ होगा, सॉरी स्टैंडर्ड उसका कंपनी का लैंडमार्क होगा, या जो भी ठप्पा एक होता है सील टाइप वो होगा, ठीक है? ये क्यों बनाया जाता है, ताकि एक तो हमको समझ में पड़ जाती है कि ब्रिक कहाँ की है, प्लस इससे मोर्टार यहाँ पर घुस जाता है, और दूसरी ब्रिक जब हम बनाते हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, मतलब चिपकन या ग्रिप अच्छी बनती है, दोनों ईंटें अच्छे से जुड़ जाती है। मैडम, ये कौन सी टाइप की ब्रिक बता रहे हो आप अभी? मेरे को थर्ड तो ये टाइप, थर्ड थर्ड टाइप की दिख क्लास, रही है, सबसे थर्ड टाइप थर्ड की, क्लास। ठीक है? एक और फोटो मैं शेयर करती हूँ। ये तो हो गया है, देखो ये फोटो दिख रहा है आपको, हाँ मैम। ठीक है? इसमें से ये कौन सी टाइप की ब्रिक दिख रही है? ये मैडम चैनल है चैनल ब्रिक, चैनल ना, नाली वाली, गटर चैनल वाली, ब्रिक, गटर वाली। नाली ब्रिक। और ये वाली काऊ ये वाली, मैम काउल काऊ नोज, ब्रिक, काऊ नोज, ये काऊ नोज। और ये वाली बुल काउल नोज, ठीक है? बुल बुल नोज, ब्रिक। है ना? ये वाली कोपिंग ब्रिक है ना, हाँ कोपिंग, ठीक है? और ये दो टाइप की हमारी पढ़नी रह गई है। ये वाली अगली पढ़ते हैं हम, जिसको बोलते हैं होलो ब्रिक, ठीक है? जो हमारे कोर्स में भी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी होलो ब्रिक्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज द सेल्युअर और कैविटी ब्रिक। सेल्युअर मतलब इनके बीच में क्या होती है, सेल जैसी खाली जगह होती है, या कैविटी होती है। कैविटी मतलब कुछ खाली जगह, अपने दांतों के बीच में। कैविटी मतलब एकदम खोखलापन, ठीक है? कैविटी कहाँ सुना है, अपने दांतों के बीच में हो जाती है, मतलब हमारा खोखलापन हो जाता है, ठीक यस है? मैडम। तो ये सेल्युअर और कैविटी ब्रिक होती है हमारी। सच ब्रिक है वॉल थिकनेस ऑफ अबाउट 20 mm से 25 mm। ये वाली ब्रिक जो होती है हमारी, पूरी की पूरी वॉल थिकनेस की होती है। ये वाली चीज जो इसमें जो खाली हमारी जो थिकनेस होती है, ये 20 mm से 25 mm के बीच में हम इसको रखते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पेशल होमोजीनियस क्ले। ये कौन सी क्ले से बनाते हैं हम, ये स्पेशल प्रकार की, एक सार मतलब एक जैसी क्ले से बनाई जाती है। मतलब इसमें पूरी टोटल इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की वेजिटेशन मटेरियल नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के सोल्यूबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? दे आर लाइट इन वेट, वजन में ये हल्की होनी चाहिए।
अबाउट 1/3 वेट ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक, मतलब अगर हमारी ईंट का 15, जैसे 3 किलो की ब्रिक है हमारी कोई सी भी स्टैंडर्ड, तो कितने होनी चाहिए इसकी, 1/3 होनी चाहिए, मतलब 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक के वेट, मतलब ये ब्रिक हमारी कितने की होनी चाहिए, 1 किलो की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 1/3 होनी चाहिए किसके भार की, हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक के भार की, ठीक है। 1/3 ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक ऑफ द सेम साइज की, सेम आकार की ब्रिक को अगर हम वेट करें तो उसका 1/3 हल्की होती है ये वाली ईट है। दीस ब्रिक क्यों हल्की होती है, क्योंकि ये अंदर से खोखली और पोली होती है, ठीक है। दीस ब्रिक कैन बी लेड ऑलमोस्ट ओवर 4 टाइम एज फास्ट द ऑर्डिनरी ब्रिक, 4 गुना ज्यादा जल्दी इसको हम बिछा सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। एंड दस यूज ऑफ सच ब्रिक लीड्स टू स्पीडी कंस्ट्रक्शन, और इस प्रकार की ईंट का कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होता है या स्पीडली होता है, ठीक है। दीज ऑल्सो रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी थी, ये क्या होती है, हमारी हीट को ट्रांसमिट करने से रोकती है। अगर इस साइड ज़्यादा हीट है या ज़्यादा गर्मी है तो वो इस साइड आने से रोकेगी, क्यों, क्योंकि ये कैविटी के अंदर क्या करेगी, ये वाली आती हुई हीट का कंजर्व कर लेगी और यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, साउंड एंड डैम्प, मतलब साउंड को भी आने से यहाँ पर रोकती है, और डैम्प मतलब सितांग को भी यहाँ पर ट्रांसफर होने से रोकती है। दे आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक, क्या लिखा है, पार्टीशनिंग शोइंग द टिपिकल हॉलो ब्रिक, ये कहाँ यूज हो करते हैं हम, पार्टीशन देने के लिए, हमारी रूम्स में पार्टीशन देने के लिए, या फिर बाहरी या आउटर सरफेस पे इन ब्रिकों का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आई समझ में, होलो ब्रिक, यस मैडम। ठीक है, ये वाली हमारी मेन ब्रिक है, होलो ब्रिक जो है, इसको एक बार और मैडम ये कहाँ पे यूज करते हैं? हम पार्टीशन देने में करते हैं ब्रिक का, कहीं भी हमको पार्टीशन देना है, जैसे अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में एक साइड में क्या बर्नर चल रहे हैं, बर्निंग के लिए बर्नर चल रहे हैं, और अगले साइड हमको पास ही में तुरंत सुपरवाइजर का ऑफिस बनाना है, तो बर्नर का काम क्या होता है, इंडस्ट्री में जो बर्नर चलते हैं, बॉयलर चलते हैं, बॉयलर क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, करते भाप बनती है, भाप बनती तो क्या होता है, भाप से मशीनरी चलती है, सुना ना, स्टीम हैं। इंजन, हाँ यस मैडम। ठीक है। अगर वहीं आपने सपोज आपको क्या करना है, वहीं आपको सुपरवाइजर का रूम बनाना है, ठीक है, तो वो चाहे उसका रूम ऐसा खोलता हुआ उसमें एटमोस्फियर मिलेगा तो अच्छा लगेगा क्या, वो तपता रहेगा क्या बेचारा बॉयलर के पास ही में, क्योंकि उसको धीरे धीरे देखना भी है, अपनी ऑब्जर्वेशन भी करना है कि क्या चल रहा है, तो हम उस जगह पर ऐसी ब्रिक के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये थी हमारी होलो ब्रिक, ठीक है, दिख रही है। हाँ मैडम। दीज क्ले होलो ब्रिक कैन बी यूज फॉर बोथ लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन, दोनों प्रकार के कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाती है ये। पढ़ रहे हो आप स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख हाँ रही है, मैडम दोनों प्रकार के कंस्ट्रक्शन स्क्रीन में पर हम देखिए। होलो ब्रिक का यूज कर सकते हैं, नॉन बियरिंग, नॉन लोड बियरिंग एंड लोड बियरिंग, दोनों में डिफरेंस में बताई थी आपको कि कैसे होते हैं। मोर ओवर दे ऑफर, होलो ब्रिक आर हाईली ड्यूरेबल इन द नेचर, ये क्या होती है, और ज़्यादा टिकाऊ होती है इनके नेचर में, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस सुटेबल एप्लीकेशन। कितने की पड़ती है ये, 47 रुपीज की एक ब्रिक पड़ती है, दिख रही है आपको, पढ़ते हैं होलो ब्रिक के यूजेस, ठीक है। होलो ब्रिक आर ब्रिक्स दैट हैव सेवरल होल्स इन इट,
कैसे रहते हैं, बहुत सारे होल्स रहती है या होलो नेचर की इनको बनाते हैं, ठीक है, अंदर से खोखली बनाते हैं। दीज ब्रिक कैन बी यूज टू बिल्ड, दीज यूज टू बिल्ड लोड बियरिंग एज वेल एज नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज ब्रिक हैव बीन प्रूवन टू मच मोर बेनिफिशियल देन ट्रेडिशनल ब्रिक, हमारी जो चली आ रही है ईंटें उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी होलो ब्रिक, ठीक है, मगर इसको बनाना उतना ही भारी होता है। जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल ब्रिक है उसका मेकिंग हमारा थोड़ा इजी होता है, मगर इस ब्रिक के अंदर अंदर से खोखली रखना है, इनकी साइड भी पूरी शेप में, पूरी साइज में, और होल्स भी प्रॉपर चाहिए हमको, तो इस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस ब्रिक को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। मगर ये हमारी उन ब्रिकों से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये वाले ब्रिक, ठीक है। हॉलो ब्रिक आर फायर रेजिस्टेंस, ये फायर को रेजिस्ट करती है, मतलब फायर रेजिस्टेंस होती है, एंड एट द सेम टाइम मच सफर देन ऑर्डिनरी ब्रिक, और हमारी ऑर्डिनरी ब्रिक के हिसाब में ज़्यादा अच्छे से ये फायर को रोक सकती है। आई बात समझ में, होलो ब्रिक का दिख रहा है, हाँ ठीक है।